नमस्कार, पुनः आप सभी का कक्षा में स्वागत है। पिछली बार हमने क्वांटम मैकेनिक्स के विकास के बारे में अध्ययन किया था और आपको बताया था कि तीन एक्सपेरिमेंट्स आदर्श कृष्ण का विकिरण के उत्सर्जन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ये तीन ऐसे प्रभाव थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव डाली। आज सर्वप्रथम हम आदर्श कृष्ण का विकिरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आदर्श कृष्ण का ऐसी वस्तु है जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंग दैर्ध्यों के संपूर्ण विकिरणों को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है। ऐसी वस्तु को आदर्श कृष्ण का कहते हैं। आदर्श कृष्ण का की निम्न विशेषताएं होती हैं। आदर्श कृष्ण का के लिए अवशोषण गुणांक एक होता है, इसका प्रावर्तन गुणांक और ट्रांसमिशन कोफिशियंट, पारगमन गुणांक, इनका मान शून्य होगा। एक निश्चित ताप पर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं और कृष्णिका से जीरो से अनंत तरंग दैर्ध्य के सभी विकिरणों का उत्सर्जन होता है, क्योंकि किरचॉफ के नियमानुसार अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, इसलिए कृष्ण का एक अच्छा अवशोषक है तो इसके साथ साथ एक अच्छा उत्सर्जक भी है। कृष्णिका का स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन वक्र सतत होता है। आदर्श कृष्ण का एक कल्पना मात्र है और वैज्ञानिक कार्यों के लिए हम आदर्श कृष्णिका की एक कोटर के रूप में, कैविटी के रूप में कल्पना करते हैं और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो सबसे पहले फेरी और वीन ने एक आदर्श कृष्णिका की कल्पना कर दिया था। इसलिए इस प्रकार की ये जो कैविटी है जो कि प्रायोगिक कार्यों के लिए काम में ली जाती है, इसे फेरी और वीन की ब्लैक बॉडी कहते हैं, कैविटी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो कृष्णिका स्पेक्ट्रमी वक्र है इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों के सभी विकिरणों में सभी संभव तरंग दैर्ध्य के विकिरण विद्यमान होते हैं। किसी तरंग दैर्ध्य पर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा के मान का प्रायोगिक अध्ययन सर्वप्रथम ल्यूमर और प्रिंगसाइन ने किया था। इन्होंने भिन्न भिन्न तापों पर वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया, जिसे स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र या कृष्णिका स्पेक्ट्रमी वक्र कहते हैं। और इसका जो ग्राफ है वो जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, वाई एक्सिस पर ये ई लैम्डा है, वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता है, और एक्स एक्सिस पर तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान है भिन्न भिन्न तापों पर। और अगर ये कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम प्लॉट किया जाए तो जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, ये जो प्लॉट है ये T1 टेम्परेचर के संगत है, ये जो प्लॉट है ये T2 टेम्परेचर के संगत है, इसी प्रकार ये अन्य जो प्लॉट किसी अन्य टेम्परेचर T3 के संगत है। और भी अन्य तापों पर अगर हम ये प्लॉट ड्रॉ करना चाहें तो इसी में एक साथ इनको प्लॉट किया जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि जो सबसे प्रथम ये जो स्पेक्ट्रम T1 टेम्परेचर का है, इसके लिए टेम्परेचर का मान दूसरे जो
स्पेक्ट्रम है टी टू टेम्परेचर पर उससे अधिक है, तीसरे का टेम्परेचर है वो इन दोनों की तुलना में कम है अर्थात टी वन ग्रेटर देन टी टू ग्रेटर देन टी थ्री। अब प्रश्न ये उठता है कि इस स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन ऊर्जा वितरण वक्र की विशेषताएं क्या हैं। तो इस स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर वन, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है तथा प्रत्येक ताप पर इसमें जीरो से अनंत तरंग दैर्ध्य के लैम्डा के सभी विकिरण उत्सर्जित होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। किसी भी अगर आप स्पेक्ट्रम को देखें किसी भी टेम्परेचर पर तो आप देखेंगे कि ई लैम्डा और लैम्डा में ये जो कर्व है ये कंटिन्यूस कर्व है, सतत वक्र है, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है। इसलिए इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र है ये सतत होता है। नंबर टू, ताप बढ़ाने पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के संगत उत्सर्जन क्षमता बढ़ती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं किसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए ई लैम्डा का मान बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए इस टेम्परेचर पर ये कोई पर्टिकुलर लैम्डा है तो इस लैम्डा के लिए ई लैम्डा का मान इतना है, जबकि टेम्परेचर बढ़ते ही दूसरे कर्व जिसके लिए टेम्परेचर टी टू का मान टी थ्री की तुलना में अधिक है इसी सेम लैम्डा के लिए ई लैम्डा का मान बढ़ गया। और अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ा दें तो टी वन टेम्परेचर का जो स्पेक्ट्रमी वक्र है इसके लिए इसी लैम्डा के लिए ई लैम्डा का जो मान है वो और भी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे प्रत्येक जो तरंग दैर्ध्य है उसके संगत उत्सर्जन क्षमता है उसका मान बढ़ता जाता है। नंबर थ्री, प्रत्येक ताप पर तरंग दैर्ध्य के संगत पहले स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता बढ़ती है। आप देख रहे हो इसका मान है वो बढ़ रहा है, अधिकतम हो गया किसी पर्टिकुलर लैम्डा के ऊपर और उसके बाद इसमें जो कमी है वो शुरू हो जाती है और जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ता जाएगा इसका मान फिर शून्य की ओर अग्रसर होता जाएगा। नंबर फोर, लैम्डा एक्स व वक्र के बीच का क्षेत्रफल किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए कुल उत्सर्जन क्षमता को प्रदर्शित करता है। अर्थात अगर हमें किसी एक टेम्परेचर के लिए पूरे स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो अर्थात कुल उत्सर्जन क्षमता ज्ञात करनी हो तो इसका जो मान है वो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा के बराबर होगा। नंबर फाइव, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंग दैर्ध्य ताप बढ़ाने पर कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होती है। कृष्णिका के लिए परम ताप व लैम्डा एम का गुणनफल नियत रहता है अर्थात लैम्डा एम का मान कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं अर्थात यह वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो लैम्डा एम का मान है यानी अधिक किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए अधिकतम जो ई लैम्डा है उसके संगत जो तरंग दैर्ध्य है उसको हम लैम्डा एम से इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे टेम्परेचर टी वन के लिए ये ई लैम्डा का अगर मान है तो इसके संगत ये जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा एम ये होगा। इसी प्रकार टी टू टेम्परेचर के लिए अधिकतम जो उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है इसके संगत तरंग दैर्ध्य का मान लैम्डा टू एम है और इसी प्रकार टी थ्री के संगत ताप के संगत
जो उस अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है इसके संगत लैम्डा 3m मान है। तो आप देख रहे हैं कि चूंकि टेम्परेचर के साथ इसका जो मान है लैम्डा m का मान ये स्मॉल वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, इस कारण अगर हम लैम्डा m और t का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो इसका जो मान है वो कांस्टेंट प्राप्त होगा। वो चाहे आप T1 टेम्परेचर के कर्व के लिए प्राप्त करें, चाहे T2 टेम्परेचर के कर्व के लिए प्राप्त करें, या T3 टेम्परेचर के कर्व के लिए प्राप्त करें। तो ये जो नियम है लैम्डा एम टी इक्वस टू बी, ये इसका मान कांस्टेंट प्राप्त होता है और इसे हम वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। नंबर नेक्स्ट नंबर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम ये परम ताप के पंचम घात T5 के समानुपाती होती है। यानी किसी भी टेम्परेचर के लिए अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है, जैसे मान लीजिए इस टेम्परेचर के लिए ये अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है, इसी प्रकार इस टेम्परेचर के लिए ये अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है, इस टेम्परेचर के लिए ये अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है, तो इसका जो मान है वो परम ताप जो भी है उसकी फिफ्थ जो पावर है घात है उसके समानुपाती होता है। नेक्स्ट जो नंबर है नंबर 6 और 7 वट एवर बी इट, किसी भी निश्चित ताप पर कुल उत्सर्जन क्षमता का अगर हमें मान ज्ञात करना हो तो ये मान कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। अर्थात टोट किसी भी टेम्परेचर के लिए कुल उत्सर्जन क्षमता ई है इसका मान T4 के समानुपाती होगा और इसे हम स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहते हैं। अगर हम वातावरण का ताप T0 भी सम्मिलित कर लें तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल नेट टेम्परेचर है वो T^4 − T0^4 होगा, जिससे E का जो मान है वो T^4 − T0^4 के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस स्थिति में यानी वातावरण के ताप T0 को विचाराधीन लेने पर जो कुल उत्सर्जन क्षमता है वो ई ये T^4 − T0^4 के समानुपाती होगी, जो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम कहलाती है। तो ये इस प्रकार जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र है इसकी विशेषताएं हैं, या आप इसको यूँ कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं जो कि किसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र है उसके लिए प्राप्त किए गए हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि इनको इनका जो इनकी जो व्याख्या है वो किस प्रकार की जाए। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।